बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आलू की कतलियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने ये आलू ले लिए, इस तरह से हमने कट कर लिया आलू को। ये हमने प्याज ले लिया, प्याज को हमने इस तरह से कट कर लेना है। और ये दो से तीन हरी मिर्चें हमने ले ली, और ये हमने लहसुन कट कर लिया इस तरह से। एक टमाटर हमने ले लिया, उसको हमने कट कर लिया। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतीला ले लिया, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गए, अब इसमें हम आलू की टिक्कियाँ डालेंगे। हमने इसमें डाल दिया, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने फ्राई कर लिया हल्का सा, अब इसमें से हम आलू को निकाल लेंगे। इसमें से हमने आलू को निकाल दिया, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने फ्राई किया, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने सॉटे कर लिया, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया इसमें डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक, और टमाटर मसालों को हम अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको 5 मिनट हम कवर करके दही को अच्छे से पकने देंगे। थोड़ी सी इसमें हम मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा गरम मसाला डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसको हमने अच्छे से भून लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के आलू को पकने देंगे। अब इसको हम कवर करके आलू को पकने देंगे। इसमें से पानी ड्राई हो गए, अब इसमें हम कुटा हुआ जीरा डालेंगे और कुटा हुआ धनिया, थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। दो मिनट इसको हम कवर करके रख देंगे, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे
थोड़ी सी हरी मिर्चें, आलू की किटलियाँ रेडी होगी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्यारे से बाउल में मैंने डाल दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, इजी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपको अच्छी सी वीडियो मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।